गरियाबंद में किडनी पीड़ितों के गांव कहे जाने वाले सूपे बेड़ा में पिछले 17 सालों में 120 से ज्यादा किडनी रोगियों की मौत हो चुकी है। 20 से अधिक लोग अब भी बीमार है। राहत व बचाव के सरकारी दावे के बीच विधवा हो चुकी माताएं भी हैं जो अब बीमारी से नहीं पति के जाने के बाद के हालातों से जूझ रही हैं। देवभोग के मनरेगा दफ्तर में फाइलों को संजो कर रख रही वैदेही और लक्ष्मीबाई दोनों के पति शिक्षक थे। किडनी रोग के चलते लक्ष्मी सोनवानी के पति शीति राम की मौत 2014 में और वैदेही क्षेत्रपाल के पति प्रदीप की मौत 2017 में हो गई। 2019 में राज्यपाल के दौरे के बाद इन्हें कलेक्टर दर पर प्रतिमाह 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन ये रुपए महंगाई के जमाने में गुजर बसर के लिए नाकाफी हैं। इन्हें आज भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मदद की आस है। जैसे तैसे तो नरेगा में आ रहे हैं और कुछ पैसा उसी से मिल रहा है तो उसी से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे से भी हम अपने बच्चे को पालन पोषण करने में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई अभी उनके आगे का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे बच्चे को कम से कम अनुकंपा का एक छोटा मोटा चपरासी का भी नौकरी दे दे और हम लोग को पेंशन हमारा पेंशन दे। यहाँ मुखिया के गुजर जाने के बाद 50 से ज़्यादा ऐसी बेवाएं हैं जो परिवार चलाने बिना किसी सरकारी मदद के संघर्ष कर रही हैं। प्रेमशीला के पति प्रीतम आडिल के अलावा परिवार के सास ससुर की मौत 7 साल पहले एक एक कर किडनी की बीमारी से हो चुकी है। प्रेमशीला आज भी आत्मनिर्भर होने और परिवार की दशा सुधारने के लिए संघर्षरत है।